हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। जब से मैंने अपना रिजल्ट शेयर किया था आप लोगों से बीपीएससी 3.0 का, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दी आपने कैसे पढ़ाई करी और बीपीएससी 4.0 के लिए कुछ बताइए, आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। और एक सबसे ज़्यादा कमेंट था कि क्या आपने किसी का बैच लिया था या नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन की थी। और इसके अलावा आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि क्या बिना पैसे खर्च के, यानी बिना किसी का बैच लिए, बिना कोई कोर्स परचेज किए प्रिपरेशन की जा सकती है। तो ये सारे डाउट आपके इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं भी किसी के थ्रू कोई प्रोडक्ट का नाम सुनते हो या कुछ भी होता है, तो वो स्पॉन्सर्ड होता है, यानी कि वो इंसान उस चीज़ का ऐड कर रहा होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझना चाहिए। और अभी जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना सोर्स बताऊँगी कि मैंने कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, ये सारी चीज़ें, तो वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस और अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैंने किस कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा और कहाँ से पढ़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, यानी कि जो भी मैंने पढ़ाई करी वो मैं अपना ही बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी और के प्रोडक्ट का या कुछ भी ऐसा है कि स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने किसी का बैच लिया था या नहीं। तो मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया था। आपने देखा होगा वीडियो ग्लो गर्ल रश्मि चैनल पे, वहाँ पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताया है। बट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी का बैच लो या ना लो, पर मैं ये कह रही हूँ कि हाँ, बिना पैसे खर्च के भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो और सेलेक्ट हो सकते हो, एक अच्छा स्कोर पा सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को मैथ्स में आती है। बहुत सारे लोग मैथ को लेकर के पूछ रहे थे, क्योंकि मैथ्स जो होती है आपकी एकेडमिक वाली होती है, जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं समांतर श्रेणी या इन सब चैप्टर्स के आते हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि इसको कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप उस चैप्टर को पढ़ोगे नहीं अच्छे से, वहाँ आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक्स से ज़्यादा आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मैथ्स के लिए मैंने फ्री में यूट्यूब पर जो टीचिंग परीक्षा चैनल में सर पढ़ा रहे थे मैथ्स फ्री में, हर एक मतलब दिन एक या दो वीडियो मैंने देखी थी, तो उसी से पढ़ाई करी थी। और वीडियो देखने का फ़ायदा भी था कि जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो सर तुरंत आपको आंसर बता दे रहे हैं, तो इस तरह से डेली वो प्रैक्टिस कराते थे। पहले शायद उन्होंने चैप्टर वाइज कराया था, उसके बाद उन्होंने मिसलेनियस क्वेश्चन कराए थे, मिक्सड क्वेश्चन कराए थे, उसमें हर एक टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ले लेते थे, तो उस तरह से मैंने प्रैक्टिस कर ली थी मैथ्स की। ठीक है, तो मैं वो चीज़ मिस नहीं करती थी कि आज वीडियो नहीं देखा, मैं डेली दो एक या दो वीडियो देख ही लेती थी, कम टाइम हो तो एक वीडियो वरना एक या दो। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी थी। इसके अलावा मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती थी, वहाँ पर क्या था कि बीपीएससी की कोचिंग नहीं थी, बट वो मेरी कोचिंग थी टेट सुपर टेट वाली, तो वहाँ जाकर थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता था, अपना पढ़ा लिया सर ने मैथ्स या कुछ भी पढ़ा दिया, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, तो वो कोचिंग मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती थी। और इसके अलावा जीएस के लिए बहुत सारे लोग जाना चाहते थे, जीएस के लिए मैंने लूसेंट की बुक ली थी और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने उसी से पढ़ी थी। मॉडर्न हिस्ट्री के क्या है कि पहले सबसे पहले मैंने सारे पेपर्स जितने 1, 2, 3 जितने भी हुए थे जो मेरे पास थे वो मैंने अपने पेपर रख लिए, और जो नहीं था उसका मैंने डाउट निकलवा के रख लिया था पेपर का कि हर एक क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने किसी का वीडियो ही देखा था यूट्यूब पे, तो उन्होंने बताया कि आप सबसे पहले पेपर को एनालाइज़ करिए। उस वीडियो में ही मैंने सुना था किसी ने बोला था कि पेपर को आप एनालाइज़ कीजिए, हर एक क्वेश्चन को देखिए कि किस टॉपिक से पूछा गया है और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आप वैसे पढ़ाई कीजिए। तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर के मैंने बुक में लिख भी दिया था कि बीपीएससी 2.0 3.0 मतलब कौन सी लाइन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये भी मैंने कर लिया था, और इसी के थ्रू मतलब पढ़ा था मैंने, लूसेंट से ही मॉडर्न हिस्ट्री को तैयार किया था। और इसके अलावा जो भी जीएसएस के अलावा था वो मेरी नोट्स थी, और इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे थे, वो सब सारी चीज़ें मैंने देख लिया था। और कुछ पीडीएफ भी आती है और वहाँ से भी मैंने पढ़ा था। पीडीएफ में क्या था कि जो भी टॉपिक है बीपीएससी का उसको मैंने अच्छे से डिटेल में देख लिया था, ठीक है, कि कहीं कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। और ये तो हो गया। और करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक ऑफिसर्स एकेडमी पे एक सर है शंकर सर, उनकी मैंने वीडियोस देखी थी। उनका 1 या 2 घंटे का वीडियो था, मतलब आता था वीडियो, ऐसे वीकली मंथली वीडियोस आते थे, तो उनकी वीडियो मैं देख लेती थी। शंकर सर का पढ़ाने का मुझे एक चीज़ ये अच्छा लगता था ऑफिसर्स एकेडमी के हैं वो, कि उनकी वीडियो में बकवास नहीं होता था, डायरेक्ट क्वेश्चन और उस पर डिस्कशन, तो उसका मुझे फ़ायदा मिला था। मैंने उन्हीं से पढ़ी थी और पढ़कर थोड़ा सा मतलब कॉपी में लिख लिया था और उसी को बार बार रिवाइज किया था। और जो भी लोग बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें बता दें कि आप लोग आराम से प्रिपरेशन कीजिए। अभी
आपके पास जो भी टाइम है 1 या 2 महीने का, आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए और चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। एक्चुअली क्या किया था मैंने, अब तक 2 बार दिया एग्जाम, 2.0 और 3.0 का। तो 2.0 में सीटें भी कम थी और मैंने क्या किया था, बहुत सारे सोर्स रख लिए थे कि ये बुक भी खत्म करना है, ये बुक भी खत्म करना है, ये सिलेबस खत्म करना है, ये सिलेबस खत्म करना है, ऐसा करके था। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि चीज़ें रिवाइज नहीं हो पाई, मुझे लगता है ऐसा। बट अभी मेरे बहुत सेलेक्टेड मटेरियल थे 3.0 में, मैंने कुछ ही बुक्स रखी और उसको बार बार रिवाइज किया। साइंस के लिए मेरे पास एक घटना चक्र की बुक थी, इसके अलावा मैंने देखा कि आवर्त सारणी से क्वेश्चन आ रहा है तो उस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो क्लास 9 10 क्लास 6 7 8 की NCERT बेस्ड पढ़ाते हैं, तो वहाँ से पढ़ के मैंने थोड़ा थोड़ा सा नोट्स बना लिया। मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और मेरी जो भी सोर्सेस थे वो मैंने आपको बताया। बाकी आप लोग किसी का बैच परचेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे कोई भी प्लेलिस्ट देख सकर तैयारी कर सकते हैं, अपनी नोट्स बना सकते हैं या कोई अच्छी बुक भी ले सकते हैं। और NCERT सार संग्रह की बुक के बारे में मैंने सुना कि मेरे पास तो नहीं थी, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बुक बहुत अच्छी होगी और जो भी लोग अगर कोई बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं एक बार, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका NCERT का जो मतलब निचोड़ है या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएगा, तो अच्छा रहेगा, कम टाइम में आप एक बुक पढ़ सकते हो। बाकी अगर कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मेरी नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कशन होगा। और आप लोग जब भी कमेंट किया करो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें आपके कॉमेंट्स होते हैं, आपके क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।